नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट्सॉप से। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ है लखनऊ में, जो कि एक पिटबुल के द्वारा, खैर कहानियां तो बहुत सारी बन रही है, तो किसी एक नतीजे पे नहीं चलते हैं, ना कोई खास हम लोग राय देंगे कि क्या सही था क्या गलत था और क्या हुआ था। बेसिकली हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ और क्या गलती रही होगी ऑनर की, या हम लोगों ने जिन क्लाइंट को कस्टमर को दिया है वो लोग रख रहे हैं उस डॉग को, तो क्या रख रखाव में मेन जरूरी अहम मुद्दा क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। तो हम अभी राम भैया के साथ ही है। हेलो फ्रेंड, बस धीरे से। हेलो फ्रेंड, तो इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आखिर सही क्या था और क्या गलत रह गया जो कि ऐसा किस्सा हुआ, और इस किस्से में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, इसके बारे में कोई ओपिनियन कोई राय नहीं है हमारी। ये खबर काफी चर्चा में है अभी, तो मेरा इस पर कोई खास ओपिनियन था नहीं। मेन मुद्दा है मुझे आज इस बात पे बोलने का कि बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है मीडिया के थ्रू कि कुत्ता खा गया, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या है, और इसमें सच्चाई मुझे नहीं लगती कि इतनी ज़्यादा मात्रा में होगी जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1-1.5 घंटे तक कुत्ते ने मालिक को नोच खाया या खा रहा था। तो आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि ऑनर खुद से अपने हाथ में डॉग लेकर के जा रहा है, वो भी उतने सारे पब्लिक के बीच में, तो क्या भैया अग्रेसिव अगर डॉग होता तो ऑनर को भी चार्ज करता ऐसा कुछ भाई, अगल बगल भी तो बहुत सारे भीड़ है। देखिए कोई भी अननोन डॉग भी अगर हम लोग लेकर के कहीं जाते हैं वो भीड़ देख करके खुद या तो डर जाएगा या तो डराने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए लाइफ एक ऐसा चीज होता है कि जिसमें अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी, हम लोग भी खुद 5-6 साल से बुली पाले हुए हैं, ऐसा तो कोई केस हुआ नहीं, और बहुत लोग पालने वाले के भी इसमें डिमेरिट ये होते हैं, बहुत लोग एज ए ओनर, मान लो आप परचेज किए ठीक है और आपके स्टाफ केयर कर रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं किया जा रहा है, मतलब एज ए बुली ब्रीड के लेके हम बात कर रहे हैं। उनका जो केस था कि मदर दो ही घर में मेंबर थे, मदर खिलाती थी सारे डॉग को, मतलब वो दो डॉग थे शायद उनके यहाँ, एक लैब्राडोर भी था, तो वो सभी को मदर ही खिलाती थी और मदर के साथ ही वो डॉग रहते थे, वो मदर अपने हाथ से खिलाती थी। उसके बाद ये किस्सा हुआ, क्यों हुआ इसके बारे में तो खैर वही लोग बता सकते जो घर के अंदर थे। अगर वो नहीं केयर करते तो मान सकते थे कि चलो उनसे नहीं है तो वो चार्ज कर दिया, लेकिन वो केयर खुद करती थी, इस पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या बोल सकते हैं, दिमागी हालत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो अपवाद में कहा जाएगा ऐसे डॉग नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वो जंगली जानवर अगर कोई हो, वाइल्ड एनिमल, आपने भेड़िया पाल रखा है या शेर बाघ पाल रखा है तो ऐसा सीन हो सकता है, अपने पास भी तो बिल्ली है ना 5 साल से और नॉर्मल है, सबके साथ फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं कि मैं पाल लिया हूँ तो वो निकलता है तो चार्ज ही करता है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से खुला घूमता है, बट उनके साथ ऐसा क्यों किया ये तो बहुत ही दुखद है। लेकिन देखिए अफवाहों को ज्यादा ना फैलने दें, आप लोग भी ध्यान दें, अगर हमारे जो क्लाइंट है वो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो भी पिटबुल हमारे यहाँ से भी बहुत सारे पिटबुल है, बहुत सारे क्लाइंट है, तो उनका भी ओपिनियन हम आपको दिखाएंगे कि उनके घर पर किस टाइप से है पिटबुल। तो ऐसा सीन नहीं होता है कि पिटबुल है तो खतरनाक डॉग ब्रीड है तो वो घर के ओनर को ही नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा बहुत, इतना सारा वीडियो देखें दुबई वाला, वो जो शेर पाले वो शेर के साथ रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं और अच्छे से रह रहे हैं, शेर है वो तो 1 मिनट में खत्म ही कर देगा, वो तो रियल में आदमखोर होते हैं, आदमखोर होते हैं, फिर भी उसको जब पेट बना लिया पालतू, उसको बना लिए हैं, फिर भी जब पालतू बन चुका है तो उसके माइंड में ये है ये मेरा ऑनर है इसे हम कुछ नहीं करेंगे, अदर पर्सन के लिए कुछ करे वो अलग मैटर है लेकिन ऑनर के लिए तो ना करे, ऐसा होता है अफवाह में होता है, बहुत लोग सुनते हैं न्यूज के पिटबुल मार दिया कभी गाय को मार दिया, चलो वो समझ में आता है कि चलो जानवर है, इंसान को कभी डॉग ने मार दिया, उसको मार दिया क्यों मार दिया इसके पीछे रीजन कुछ नहीं जानते, बस मार दिए,
क्यों मारे इसका कोई मतलब नहीं। अभी उनके पड़ोसियों की भी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो लोग साफ साफ कह रहे थे कि एक डेढ़ घंटे तक नोचा घसीटा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई नॉर्मल डॉग होता तो वो इसमें पॉसिबिलिटी होती। मैं नहीं कह रहा कि पिटबुल, अगर रॉटवाइलर हो, लैब्राडोर हो, वो भी खूंखार हो जाते हैं। हाँ, खूंखार वो भी अटैक कर देते हैं, लेकिन ओनर पे ये बहुत ही रेयर मामला है, क्योंकि बात आ रही है डॉग पे और हमारा भी डॉग का ही है। तो हम लोग डॉग एक साथ कई सारे डॉग हम लोग ऑन करते हैं और हमारे पास है, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीजें होती है। हाँ, हम लोग तो प्रॉपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल में एक बहादुर नाम का लैब्राडोर है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी वीडियो बनी है उस पर। वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब लैब्राडोर है तो बिल्कुल सीधा है, अननोन पर्सन को देख करके वो भौंकता भी है, वो अपना अटेंशन गेन करने के लिए वो अपना दिखाता भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि लैब्राडोर है तो वो बिल्कुल शांत ही रहेगा, और पिटबुल है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सारा कुछ आपके रख रखाव पर डिपेंड करता है, सारा चीज डिपेंड करता है आप कैसे उसे पाले। क्या रॉट हो, लैब्राडोर हो, या कोई सा भी डॉग ब्रीड हो, बहुत लोग का ये भी है कि मैंने मेरे से परचेज किए और वो उनका स्टाफ केयर कर रहा है। हम लोग के नजर में ना वो परचेज किए तो ओनर है, लेकिन डॉग के नजर में जो केयर कर रहा है वही ओनर होता है। बिल्कुल, जो परचेज किए ओनर नहीं होते, वो हम लोग के नजर के सामने वो ओनर है, लेकिन जो केयर प्यार जहां से मिल रहा है वही रिटर्न होगा। स्टाफ पर छोड़ दिए हैं तो डॉग के लिए तो स्टाफ ही ना ओनर हुआ है, लेकिन लोग सोचते हैं अब न्यूज है बहुत ओनर ले गए, ओनर को मार दिया, ऐसा किया, वो किया, उसके पीछे तो बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर आप डॉग रखते हैं, अगर आपने पिटबुल रख लिया या कोई भी एग्रेसिव डॉग रख लिया, इस वीडियो को मैंने बहुत देखा था, तो इसमें एक खास बात मुझे पता चली, जो कि ये था भैया कि वो डॉग रखते थे घर में, दो लोग थे, दोनों लोग घर पर रखते थे, और मान के चलिए उनका डॉग मतलब बॉडी बिल्डिंग का काम था और वो वहाँ ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर था, तो मे बी टाइम नहीं दे पाते होंगे घर में, मदर उनकी सारी केयर करती थी, वो घर के अंदर ही रहता था, वो कभी घर के बाहर गया ही नहीं, चार साल नहीं, जैसे चार साल तक वो गया ही नहीं, तो क्या ये सोशलाइजेशन का कमी रह सकता है, क्योंकि लोगों से कभी वो नए लोगों से मिला ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास भी तो है, कहाँ वो बाहर, जैसे देखिए हमारे पास तो क्लाइंट आते हैं डायरेक्ट जाकर मिलते हैं डॉग से। हाँ, मिलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि चलो, ये भी वजह हो सकता है शायद। हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए भी सुबह में ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं बाहर जाता था, तो एक ये भी कमी अकेलापन शायद ये वजह हो सकता है, सकता है इसमें कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन बिल्कुल किसी नतीजे में पहुंचना ये बहुत मुश्किल है। मैं बस हमारे व्यूवर से कहना चाहूंगा, जो भी पिटबुल तो उसको प्रॉपर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल ऐसा एग्रेसिव डॉग ना पाले, नहीं पाले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, आप डॉग ले जाते हैं, ले जाने के बाद आपने घर में बांध के रख दिया या छत पे छोड़ दिया या घर में छोड़ दिया, आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो एक चिड़चिड़ापन बहुत बड़ा सवाल होता है कि उस कारण से भी डॉग एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी नए लोगों से नहीं मिलेगा, वो खेलने का मौका नहीं मिला या वो कुछ कर नहीं पाया, वो दिन भर इधर उधर, तो वो भी बोर होते हैं। डॉग भी हमारी तरह फीलिंग रखते हैं और अकेलापन उनको भी परेशान करता है, जैसे इंसान को परेशान करता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तभी डॉग परचेज करें, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं। और मुझे उस केस में सबसे बड़ा बात यही बार बार मतलब दिमाग को लगता है कि शायद ये रीजन रहा होगा कि वो डॉग चार साल से कभी बाहर गए नहीं, नए लोगों से मिला ही नहीं, तो ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा रीजन सामने आता है मेरे कि ये भी शायद हो सकता है डॉग बीच थी। हाँ, फीमेल थी, फीमेल होता तो और ज्यादा एग्रेशन का कारण बन सकता था, लेकिन फीमेल बिल्कुल एग्रेशन नहीं होता है उनमें और बहुत कम एग्रेशन होता, लेकिन ये रीजन क्या था और क्या अंदरूनी बातें हैं, ये पूरा मैटर है इसका। जब तक देखिए सारा बात खुल के सामने नहीं आता, अभी वो डॉग का रिपोर्ट भी गया, डॉग भी जो नगर निगम वाले लेकर के गए, तो अभी देखिए रिएक्शन क्या है डॉग का, दो दिन से खाना नहीं खा रहा, खाना पीना छोड़ के रखा, और वो सिर्फ अभी चिकन वगैरह दिया था, तो चिकन तो देखिए बहुत जनरली कुत्ते को पसंद होता है, सारे डॉग चिकन पसंद करते हैं, मीट से रिलेटेड चीज़ अगर आप देंगे तो वो डॉग जल्दी उसके तरफ आकर्षित होता है, तो थोड़ा बहुत वो चिकन खाया था, है ना, तो वो भी सदमे में, डॉग ऐसा नहीं कि डॉग सदमे में नहीं, डॉग भी सदमे में, वो भी अपने मालिक को, बिल्कुल उसके साथ भी कुछ हुआ है, अब क्या सीन रहा उसका, दिमागी संतुलन डॉग का बिगड़ा या कुछ खास रीजन रहा हो,
ओनर का कुछ और कहना है कि वो डॉग चिड़चिड़ापन उसका बढ़ जाता था जब कोई कोई कॉलर बजा के डॉग घर का भाग जाता था, तो वो ज्यादा चिड़चिड़ा जाता था, एग्रेशन उसका ज्यादा दिखने लगता था। तो ऐसा कोई रीजन रहा होगा, वो कहता है माँ को उठाने गया होगा उस रीजन में शायद उसने पकड़ के। तो अब डॉग के ओनर क्या कह रहे हैं, कितना परसेंट उनमें सच्चाई है या उनके आस पड़ोस के लोग जो कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, तो सब कुछ कहना ये सब कुछ गलत होगा, व्यर्थ होगा कि मैं कुछ अपना ओपिनियन दूं। तो इसलिए जो डॉग ऑनर है वो बिल्कुल ये ध्यान रखे डॉग घर में लाए उसके साथ पूरा समय दें और लोगों को भी समय दे देते हैं, जैसे घर गली मोहल्ले जितने लोगों से आप मिला सकते हैं अगर आपने वैसा कोई एग्रेसिव डॉग पाला है तो बिल्कुल ये करें। हाँ, मैं तो बहुत लोग गाड़ी में पर्पज से रखते हैं, बस किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका तो काम ही है पालते, बहुत लोग गार्डन पे ही पर्पज से पालते हैं, तो वही चीज होना चाहिए। और ये होगा तो शायद ये किस्सा ऐसा कभी ना दोहराया जाए और ना ऐसा रिपीट हो, लेकिन अगर डॉग का दिमागी संतुलन गड़बड़ था या कुछ ऐसा सीन था तो शायद ये ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा हो अगर डॉग का एग्रेशन होता तो वो दिखाता, वो अपना गाड़ी में भी रखने के बाद भी अपना दिखाता, वो आराम से उन्होंने टच किया है बकायदा डॉग को, तो ये सारा कुछ है। फिर भी अभी हम लोग यही नहीं, बिल्कुल हम व्यक्त नहीं कर सकते कोई भी किसी भी तरह का प्रक्रिया, मेनली बस यही है कि आप लोग डॉग रखें उसका केयर ढंग से करें, अगर टाइम हो तभी डॉग लें वरना ना लें, और खासकर एग्रेसिव डॉग जो भी हो। कुछ डॉग हैं जिनको एग्रेसिवनेस के लिए ही जाना जाता है, जैसे अपना एक नंबर का पिटबुल हो गया, दो नंबर पर रॉटवाइलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, और बाकी दो चार तो ऐसे डॉग ब्रीड हैं जो कि मतलब बहुत कम लोग परचेज करते हैं, जैसे आपका डोगो अर्जेंटीनो हो गया, केन कोर्सो हो गया, तो ये सब ये सब भी काफी एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। तो बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है तो ही इस डॉग ब्रीड के बारे में। चलिए बाकी सारा उनके रिपोर्ट आने पे आप लोग को खुलासा हो जाएगा कि आखिर डॉग के साथ कुछ रियल में प्रॉब्लम थी या उसके कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ जाने से हुआ या कुछ और रीजन थी, ये सारा रिपोर्ट आने पे ही है ना भैया। हाँ जी, रिपोर्ट आने के बाद ही। चलिए बस अपने डॉग का ख्याल रखें और आप अपना ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद।